हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? आप सभी लोग एंड वेलकम टू स्टेडियम रेनोवेटर। तो गाइस, आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क के लिए बुलाया गया है, क्योंकि बहुत जल्दी ही फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है। जितनी भी टीम्स हैं उनको एक एक स्टेडियम चाहिए भाई, ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके एंड एकदम परफेक्ट बन जाए अपने गेम में। भाई प्लीज मदद करो हमारी। लेकिन काफी टाइम से लॉकडाउन की वजह से सारे स्टेडियम कचरा हो चुके हैं भाई। धूल मिट्टी घास इतनी ज्यादा उनपे आ चुकी है कि वहां पे प्रैक्टिस करना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने हमें बुलाया है भाई, एंड आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने खराब से खराब घर यूं रेनोवेट कर दिए हैं भाई। इसलिए आज हमें जाना है, काफी सारे स्टेडियम्स को रेनोवेट करना है एंड उनको एकदम नए जैसा और परफेक्ट बना देना है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं गाइस हम लोग अपने पहले स्टेडियम के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे ट्यूटोरियल से स्टार्ट होता है, तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो काफी सारे क्वेस्ट हमें मिले हुए हैं। ओके, कट डाउन द बुशेज। ओके, तो सबसे पहले हमें वहां जाने बोल रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। यहाँ पे हमें घास फूस काटने हैं सारे के सारे, तो क्यू दबाना है, यहां से अपनी कैंची लेनी है भाई और इनको काट देना है। ओ अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही रियलिस्टिक है, माली भी बना दिया हमें रेनोवेटर से सीधा माली लेकिन बढ़िया है। और कहाँ है घास फूस? मेरे को तो बहुत सारी दिख रही है, लेकिन है नहीं। ये भी काट दूं क्या? ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग सीट्स के ऊपर। ओ भाई, सीट्स तो बहुत ही ज्यादा गंदी है, तो प्रेशर वॉशर लेते हैं हम लोग। हमारा प्रेशर वॉशर ये रहा एंड साफ कर मारते हैं। अरे क्या बात है, 100%। ये देखो अब भी धूल मिट्टी हटा देंगे सब। जैसा मैंने बोला था गाइस, लॉकडाउन की वजह से कोई भी स्टेडियम पर बैठने नहीं आया था, धूल मिट्टी बैठ गई लेकिन यहाँ पे अब एक भी धूल मिट्टी कचरा दाग धब्बा कुछ नहीं रहेगा। सर्फ एक्सेल पाउडर डाला हुआ है अंदर, टेंशन ना लो। चलो ये भी हो गया भाई, वाओ इजी। व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा ये वाले भी सीट करने हैं, अब भी कर देते हैं। ओ नहीं, ये तो सीट टूटे हुए हैं भाई, तो हमें पहले इसको हटा देना है एंड अपना टैबलेट खोलना है, वहां से नई सीटें खरीदनी है भाई। तो ये रही स्टेडियम की सीट और इसको यहाँ पे लगा देना है। नाइस, तो पहले मैं काम करता हूँ, सारे पुरानी सीटें या फिर दो भी टूटी हुई सीटें हैं उनको हटा लेता हूँ भाई, ताकि अपनी एक साथ सारी नई नई सीटें लगा देंगे। वैसे इतनी सारी सीटें तोड़ के कौन गया है? ये पक्का ना ये 12th क्लास के फेयरवेल वाले बच्चे होंगे भाई। फेयरवेल के बाद वो पंखियों के मोड़ के नहीं चल जाते, तो उनने सोचा कि लॉकडाउन लगने ही वाला है, चलो इधर भी मोड़ दिया जाए उन्हें नहीं पता कितनी मेहनत लगती है, हैं? चलो हम नई सीटें लगा देते हैं भाई, बढ़िया बढ़िया वाली। बढ़िया तो नहीं, सब सेम ही दिखती है, लेकिन कोई नहीं, लगा तो देते ही है एंड फटाफट अपना सारा काम हो गया। ओके, दो सीटें और, लेट्स गो। नाइस, यहाँ पे क्या है, कचरा पड़ा हुआ है भाई, तो हम एक एक करके सारा कचरा उठा लेते हैं जितना भी है यहाँ पे। बहुत सारा कचरा साफ भी नहीं हुआ है काफी टाइम से यहाँ। झाड़ू लगाने तो जनरेटर आ ही सकता था ना, कि वो भी नहीं है। इतना लो बजट स्टेडियम किसका है भाई? ए रोनाल्डो भाई, ये स्टेडियम तुम्हारा है क्या? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं चलो, ट्रैश बैग फुल हो चुका है, तो मेरे को ये इसको डंपस्टर के अंदर फेंक के आना पड़ेगा। ये रहा अपना डंपस्टर, ये लो भाई। हाँ, थोड़ा सा कचरा और बचा है गाइस, उस साइड का तो हमने सारा साफ कर दिया, बस इस साइड का बचा है। टोटल हम एक ट्रैश बैग में 10 चीजें उठा सकते हैं, देन अपना ट्रैश बैग फुल हो जाता है। ओके, लास्ट तीन चीजें गाइस, ओनली लास्ट तीन चीजें बची हैं। चलो ऑल डन, बाय बाय टाटा। इसको हम एम्प्टी कर सकते हैं, $200 लगेंगे, अपने पास पैसा है, पैसा तो है, बट चलो कर देते हैं। गया कचरा, गया कचरा वाला ले गया। अभी हमें प्लान हटाने हैं। ओह, किसी ने सील भी कर दिया है यहाँ पे सब कुछ ये क्या ज़ॉम्बीज थे क्या यहाँ पे? चलो हैमर निकालते हैं अपना एंड इसको तोड़ के निकाल देते हैं। हटाओ और ये भी हटाओ। कौन भाई सील करके चला गया यहाँ पे गेट? अंदर कोई होता तो अभी तक तो भगवान भरोसे। ऑल राइट, चलो ये प्लैंक से क्या करूँ, इनको कचरे में फेंकाऊँ? हाँ, इनको कचरे में फेंकाना है अपने को। ओके इजी, एंड ये गए हमारे कचरे में। अरे भाई ये लो कचरा, चलो ऑल डन क्लीन। अब अंदर जाके हमें क्लीन करना है सब कुछ। गेट तो खोलो भाई। ओ तो अंदर फुटस्टेप्स के निशान है भाई, एंड इधर भी सेम है, खाली है पूरा, क्योंकि सारा सामान चोरी हो गया। चलो प्रेशर वॉशर लेते हैं एंड यहाँ पे
घर के अंदर प्रेशर वॉशर कौन यूज करता है भाई? अगर कुछ ज्यादा ही कोने होने वाले दाग हो तो ठीक है, तो पोछा भी लगा सकते थे सिंपल। लाइजोल डाल के मस्त पोछा लगता है, लेकिन इनको नहीं शायद समझ आती। इनको नहीं समझ आती शायद। चलो गाइज, यहाँ का तो साफ हो गया, एक घर ऑलमोस्ट कंप्लीट। लेट्स गो, चलते हैं हम लोग सामने वाले घर की तरफ। एंड ये क्या है भाई, किसी कुछ बना के गया? अरे अच्छा तो डिजाइन है भाई, इसको क्यों हटाना चाहते हो? कितना बढ़िया लग रहा है। कोई बात नहीं गाइस, हटाना तो पड़ेगा ही, मालिक नहीं तो हमें हटा देगा जॉब से। एंड डन। चलो ये भी हट गया पूरा। इधर भी किसी ने, भाई इतना बढ़िया तो लगाया है, लेकिन हमें नहीं चाहिए सब। यहाँ पे हमें रोनाल्डो की फोटो चाहिए कि ये सब पापा लिखा हुआ है वो चाहिए। एंड ये भी हो गया। ए 99% क्यों है भाई? चलो हो गया हो गया हो गया। इधर भी हम पैरों के निशान हटा देते हैं भाई। ये जूते साफ करके आया करो ना भाई, बड़ी दिक्कत होती है। प्रेशर वॉशर से धोना पड़ रहा है, सोचो इतने ज्यादा कठिन। कठिन भाई, भारी शब्द, कठिन धाग है। फिर उधर से ऐड वाली मैडम आ जाएगी, दाग अच्छे होते हैं। अरे तो धो, बैठ के तुम धो, हम की धोए। चलो इधर भी एक ग्राफिटी है, इसको भी हटा देते हैं। एंड अपने सारे के सारे साफ करने वाले काम खत्म हो जाएंगे भाई, फिर चीजें ठीक करने वाली चीजें रहेंगी। ओके, रोल आउट द टर्फ। ऑल राइट, यहाँ पे अभी घास हमें रोल करनी है भाई, इसके अंदर चढ़ना है हमें। ऑल राइट, इसको लो कर देना है। एंड ओके, तो इसको भी रोल आउट करना है हमें। ये रो भाई, ये रोल कर दिया हमने। यहाँ पे नई नई घास लगा देते हैं, जहाँ पे घास नहीं है अपने को वहाँ पे घास लगानी है, सीधी सी बात। और यहाँ पे पूरा बिछाने के लिए हमें एक्चुअली में ये गोल पोस्ट हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये हम राइट क्लिक होल्ड करते हैं और ये गोल पोस्ट हट गया। अब हम वापस से मशीन पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे पूरे में घास लगा सकते हैं अपनी। ओके, अपन को यहाँ से आना पड़ेगा। ओके, अब लगाते हैं वापस से। चलो पूरे में घास लग जाएगी, ये सही है भाई। ये वैसे ये घास जो रहती है आर्टिफिशियल रहती है ना मेरे ख्याल से, घास जैसी दिखती है, कहने का मतलब मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है ये। क्रिकेट स्टेडियम्स में भी ऐसे ही हरी हरी चटाई जैसा रहता है ये। मैं पूरा गलत बोल रहा हूँ, बट स्टिल मेरे को पता नहीं है, इसलिए किसी को पता हो तो क्या जरूर बताना चैट में। ओह, हो गया, वेरी नाइस। मैं सोचा एक्सीडेंट के लिए कि क्या हुआ, अपने आप हो गया गाइस। चलो यहाँ से निकला जाए। एंड हमारे बस इसको गोल पोस्ट को लगा दूँ मैं वापस से। ओके, ऑल डन गाइस। तो ये देखो यहाँ पे अच्छे से घास लगा दी हमने, जो हटी हुई घास थी वो लगा दिया है हमने। अब बस फ्यूजेस ठीक करने हैं भाई, यहाँ की बिजली चालू करनी है, क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है। खैर धूप में तो वैसे भी जरूरी नहीं है, बट हम चलो फ्यूज ठीक करते हैं। यहाँ के फ्यूज बॉक्स ओपन करते हैं। खराब वाले तो ये होंगे, लाल वाले, तो लाल वाले मैं सारे फ्यूज हटा देता हूं। फिर
फिर हमें नए फ्यूजेस ऑर्डर करने पड़ेंगे भाई, तो किधर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूज। ओके तो ये हम लगाते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल डन भाई। चलो गाइस हमारी जॉब पक्की हो चुकी है भाई, तो अब हम इवेंट्स के लिए अपना स्टेडियम बनाना चालू कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमारा सबसे पहले एक चाइल्ड ट्रेनिंग का सेशन होने वाला है जिसके लिए हमें रेडी करना है अपना स्टेडियम। ओके लेट्स गो। तो यहाँ पे अभी क्वेस्ट है प्लेस 6 बॉल्स ऑन द पिच, हमें 6 बॉल्स रखने हैं यहाँ पे, 6 फुटबॉल रखने हैं भाई, ताकि उससे वो लोग खेल पाए। तो हम कहीं भी रख देते हैं, बीचों बीच रखते हैं, बढ़िया लगेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाइस। बीचों बीच नहीं रखा हमने, लेकिन कोई बात नहीं। और एक गोल पोस्ट लगाना है अपने को। ओके तो ये रहा गोल पोस्ट, एंड ये छोटा वाला है एक्चुअली में, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं भाई। तो अपन इसको यहीं पे लगा देते हैं कहीं, आई थिंक यहाँ लगा देता हूँ। ओके लेट्स गो। चलो हमारा बेसिक जॉब खत्म हुआ भाई, इसको स्टार्ट भी करना है, प्ले बटन। ओ हम लोगों को खेलते हुए देखेंगे, क्या बात है। चलो ओ 2 बॉल खो गए हमारे, बच्चों ने बॉल चोरी कर लिया। ये क्या था भाई। चलो गाइस हमारे लिए एक और नया इवेंट अवेलेबल है भाई, जिसके लिए हमें एक लॉकर रूम चाहिए भाई। तो अभी हम इवेंट्स में जाते हैं, एंड यहाँ देखोगे तो हमें एक लॉकर रूम चाहिए, तभी हम वो इवेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे भाई। तो हम यहाँ चलते हैं एंड लॉकर रूम लगाते हैं। एडिट रूम नेम लॉकर रूम। चलो नाइस, लॉकर रूम लगा दिया हमने। ये यहाँ पे एक टॉयलेट होगा, तो इधर एक टॉयलेट और इधर लॉकर, आई डोंट नो। तो लॉकर रूम अंदर खाली तो रहेगा नहीं भाई, तो अंदर बेंच तो लगाने पड़ेंगे ना हमें। तो हम यहाँ पे 2 ऐसे बेंच लगा देते हैं, आई डोंट नो। और कबर्ड तो अपने को दिख नहीं रहा भाई, तो कबर्ड दिखना पड़ेगा मेरे को। तो ये वो वाला अपना लॉकर है, और ये अपना टॉयलेट है भाई। तो इधर टॉयलेट किधर गया, इधर उसकी भी चीज़ें लगा देते हैं अपन। तो एक वॉश बेसिन लगा देते हैं बढ़िया सा है, और उसके बाद शावर करने के लिए कैबिन भी लगा देते हैं, टॉयलेट लगा देते हैं भाई एक। इतनी बड़ी जगह है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी अपनी। यूरिनल मे बी उसी के बगल में लगा दो, टॉयलेट पेपर है साइड, इधर शावर भी आ जाएगा अपना। वाओ सही है, सब कुछ आ गया है यहाँ पे एक ही रूम में। हैंड ड्रायर लगा देते हैं भाई, हाथ सुखाने के लिए काम आएगा। यहाँ पे एक गिलास नहीं है, एक फ्लूइड डिस्पेंसर इसके जस्ट ऊपर। इस शावर वॉल ना अपन इसको ऐसा लगा देते हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन कर देते हैं तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये वो होगा। ए शिट, ओ लॉकर है एक्चुअली में, ओ मैंने देखा नहीं। लो एक सेकेंड, तो अपन लॉकर यहाँ पे लगा सकते हैं। रुको गाइस अब भी लगा देते हैं अपन लॉकर यहाँ पे, जितने लॉकर आ जाए सारे लगा देते हैं। ये रहा 3 और 3 ही आएगा था, 3 और इधर अपन लगा देते हैं। ईजी गाइज, और कुछ कुछ चीज़ें लगा देते हैं एकदम फर्नीचर, ताकि अच्छा लगे अपना ये लॉकर रूम भी। और यहाँ पे देखते हैं क्या लगा सकते हैं। एक सोफ़ा लगा सकते हैं अपने भाई इधर प्लेयर्स के लिए, सोफ़ा तो ज़रूरी है भाई, बैठेंगे मस्त चिल मारेंगे गेम के बाद, वो लोग जीत जाएंगे तब। यहाँ पे बढ़िया सा एक सोफ़ा लगाते हैं, चलो सही है। चलो गए सब कुछ सेट हो चुका है, अपने पास पैसा बचा नहीं है, नहीं तो अपन और चीज़ें करते। तो चलते हैं और ये इवेंट एक्सेप्ट करते हैं भाई। ये लो प्रिपेयर। ओके तो अभी हमें यहाँ पे 3 बॉल रखने हैं पिच पे, वो तो है ही, और 4 फ्लैग्स लगाने हैं हर कॉर्नर पे। तो हम ये फ्लैग्स लेते हैं और इनको लगाते हैं कॉर्नर्स पे भाई। इधर लगता है ना ये, यस। तो ये 1, 2, 3 और 4 डन। हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी इवेंट, लेट्स गो। देखते हैं कितना पैसा मिलेगा, $1,000 लिखा है मिलने वाला है हमें। $1,000 मिला है हमें, हमने 2 बॉल खो दी और 2 फ्लैग भी खो दी। अबे फ्लैग कौन लेके जाता है, क्या कंजूस लोग हैं यार। ओके चलो तो अभी हमें वापस से साफ सफाई करनी है, कुछ चीजें ठीक करनी है, तब जाके हम अगला इवेंट भी एक्सेप्ट कर पाएंगे भाई। अगले में इवेंट में क्या है, लो लीग ट्रेनिंग। ओ पैसा मिलने वाला है भाई यहाँ पे काफी सारा। चलो गाइस हम गोल करेंगे कचरा लेके, कम ऑन आजा फुटबॉल। एक मिनट इसको फेंको, मैं ना प्रेशर वॉशर से गोल करूंगा। अरे यार ये नहीं जाता, नहीं तो मजा आता। हथौड़े से जाएगा क्या, हथौड़े से
नहीं नहीं जा रहा, कम ऑन जा। लो हम बॉल उठाई लेंगे और हम बॉल रखेंगे यहां पे, ठीक है? अब जाएगा अंदर। ए गया गया गया, ऑलमोस्ट गया। चल अंदर जा, ए गोल। हो गया बहुत हो गया। बहुत मजा कर लिया। तो गाइस एक और नया इवेंट आ चुका है जिसमें हमें दो लॉकर रूम बनाने हैं टोटल में, एंड एक टॉयलेट बनाना है जो कि हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो टॉयलेट तो हमारा बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉकर रूम अपने को उस साइड एक और बनाना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं इस साइड, इधर वाले में लॉकर रूम बनाते हैं, लॉकर, एंड इसको लॉकर का नाम देते हैं, और इधर टॉयलेट बनाते हैं अपन। इजी हो जाएगा अपने लिए सब कुछ। चलो इसमें फर्नीचर से भर देना है हमें भाई। तो अच्छे अच्छे हम लॉकर्स लगाते हैं, काफी सारे लॉकर तो लग गए। अब हमें यहाँ पे बेंचेस लगाने हैं भाई। अपने पास ज्यादा पैसा है नहीं इसलिए अपन ज्यादा चीजें लगा नहीं पा रहे हैं, नहीं तो वो भी लगाते। एंड इसका तो पैसा ही नहीं बचा अपने पास, कोई बात नहीं, पैसा ही नहीं है गाइस इतना, अभी मिल जाएगा। लेकिन चलो इवेंट में देखते हैं, इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, 6 बॉल चाहिए पिच पे भाई। पैसा है हमारे पास? आई डोंट थिंक सो गाइस, पैसा होगा, किराए पे नहीं ले सकते क्या? तो ये होगा 3, 4, 5, नॉट इनफ मनी। नाउ व्हाट टू डू, हमें कुछ बेचना पड़ेगा भाई। तब तो कुछ बेचना पड़ेगा, बहुत महंगी महंगी चीजें लगाई हैं हमने अंदर। शावर बेच देते हैं भाई, और क्या, ये सारी फालतू चीजें बेच देते हैं। क्या क्या लगाया है भाई हमने, $12 का बिकेगा भाई, 72, 128, 208, ये कितने का है? शावर $16 का है। यूरिनल हटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। ओ माय गॉड, सोफा भी हटा दो, थोड़ा स्कैम खा गए हम, कोई बात नहीं गाइस। तो ये रहा 5, 6, ओके। प्लेस 2 स्मॉल गोल पोस्ट ऑन द पिच। तो गोल पोस्ट अपन लगा सकते हैं भाई, अपने पास इतना है। तो एक अपन ने वहां लगाया है, एक अपन यहाँ लगाते हैं, एंड 4 पोल लगाने हैं भाई। तो पोल तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं ना, आई डोंट नो पोल कहाँ लगते हैं, नो आइडिया गाइस, नो आइडिया। फिर भी अपन ने पोल लगा दिए। चलो 2 डमीज लगाने हैं पिच पे, ओके। ये रहे हमारे डमी, लेकिन उसके लिए तो $120 लगता है। अरे पैसा क्यों नहीं दिया है भाई, है? चलो भाई बहुत सारी चीजें बेचनी पड़ी हमें, हद है। तो अपन डमी तो यहाँ लगाते हैं भाई, अपनी बेस्ट जगह जो गोल के जस्ट सामने है। मार के दिखाओ अब। नाइस, हमारा स्टेडियम तैयार है, लेट्स गो, आओ खेले हम भी। ओह बॉल ही नहीं जाती भाई, एक किक करने का देना था यार, हमें भी खेलने दो। चलो इवेंट चालू करते हैं भाई, देखते हैं पैसा ही पैसा मिलेगा अपने को। $1300 मिला है, 3 बॉल खो गए, 1 गोल पोस्ट भी खो गया। भाई बॉल और को तो समझ आता है, चलो गुम गया कहीं मार दिया, गोल पोस्ट लोहे का कैसे गुम जाता है, हद है। कोई बात नहीं भाई, ओवरऑल अच्छा खासा पैसा मिला हमें, एंड अब हम वापस से काफी सारी चीजें रेनोवेट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो था हमारा छोटा सा डेमो स्टेडियम रेनोवेटर का। इसमें भी बहुत सारे और नए नए स्टेडियम ऐड होना बाकी है, एंड फुल गेम में तो और खतरनाक खतरनाक चीजें होंगी भाई जो हम इस गेम में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मजा आया हो तो लाइक बटन दबा देना गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, हम लोग जाते हैं पूरे 1000 लाइक्स के लिए यार, तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो। एंड मिलते हैं हम लोग आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।